कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज सिवनी जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने धनौरा लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही आदिवासी बनाम वनवासी का जिक्र छेड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है, दूसरी ओर बीजेपी पीएम मोदी और अमित शाह आपको वनवासी कहते हैं। राहुल ने कहा कि इन शब्दों के पीछे दो अलग अलग विचारधारा है। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक थे। उन्होंने कहा कि अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन, जल, जंगल, देश के धन पर आपका हक बनता है। वहीं वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले आप जो इतिहास है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीवन का जो तरीका है, उसके ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। आदिवासी वर्ग के काफी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। सुना होगा आपने, सुना है? तो इन शब्दों के पीछे दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक थे। मतलब आदिवासी का मतलब अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। दूसरा, जब हम वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर ये छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा? आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। तो मैंने ये आपके सामने पहले बात रखी क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। देश में आपकी जगह कहां होनी चाहिए, उस बात की लड़ाई है।